दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप झट से बोल पड़ते हैं, हमारा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। अब सोचिए अगर सच में ऐसा होने लग जाए कि हर बच्चा डॉक्टर बन गया, हिंदुस्तान में डॉक्टर ही डॉक्टर हो गए, अब अंधेरे में पत्थर फेंको तो सीधा डॉक्टर को लगा टपाक, तो ऐसे में डॉक्टरों में भी बेरोजगारी फैल जाएगी। अब डॉक्टरों को भी अपना धंधा चलाने के लिए गाँव में गली गली में फेरी वालों की तरह आवाज़ें लगानी पड़ेंगी, तो वो कैसे आवाज लगाएंगे? डॉक्टर बोले डॉक्टर नजला जुकाम ठीक करवा लो, बुखार उतरवा लो, टेटनस का टीका लगवा लो। तो ऐसे में एक सर्जन जो एक हाथ में किडनियाँ लटकाए हुए दूसरे में सुई धागा लिए हुए गांव में चल रहा है, ए बाईपास ऑपरेशन करवा लो, किडनी बदलवा लो। अरे भाई साहब, आप तो बहुत दर्द पीते हो ना, हैं आपकी किडनी बदल है। तो ऐसे हालात में जो जिन लोगों को फिल्मों में जाना था वो भी डॉक्टर बन रहे हैं। तो ऐसे ही गुलशन ग्रोवर के एक फैन जो डॉक्टर बन गए, वो अपने मरीज से कैसे बात कर रहे हैं? अरे जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है, लेकिन आप अभी कुछ दिनों के लिए जिंदगी का मजा नहीं ले सकते क्योंकि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो ऐसे ही धर्मेंद्र के एक फैन, वो अपने मरीज से कैसे बात कर रहे हैं? रमजान है मत रख, खून पी जाऊंगा। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि मुझ में खून की कमी है और हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम है। और ऐसे ही अमिताभ बच्चन के फैन, वो अपने मरीज से कैसे बात कर रहे हैं? अरे मैंने तुमसे पहले बोला था कि दारू पीना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है, आज तुम्हारे पास फैटी लीवर है, खराब किडनी है, चोगर है, बीपी है, मेरे पास क्या आए, सिर्फ ये नजला जुकाम। और ऐसे ही राजकुमार के एक फैन, वो डॉक्टर बन गए और उनके क्लिनिक में अनजाने में उनके एक दुश्मन आ गए, तो वो उनसे क्या कहते हैं? हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो टीका भी हमारा होगा, सिरिंज भी हमारी होगी और क्लिनिक भी हमारा ही होगा। दोस्तों, इससे पहले ये हालात हो जाएं, समझ जाओ यार, अपने बच्चों को भी बनने दो जो वो बनना चाहते हैं और जिसमें उनका टैलेंट है, हैं? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और न्यू मल्टीमीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। थैंक यू।